आज आप यहाँ? घर में कोई और नहीं था क्या? अप्पा साहेब, अगर हम यहाँ आए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। आप कमाल के कलाकार हैं। हमने देखा ना आपको गौरी को विदा करते हुए, आप सच में दुखी लग रहे थे। लेकिन अफसोस, आपके इस स्वांग से आप घर के बाकी लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अपने बहन को नहीं, क्योंकि आपके गौरी के प्रति वो आंसू उतने ही नकली थे जितने कि उस दिन आप आई साहब के सामने हमारे लिए आंसू बहाए। क्योंकि गौरी के इस घर से जाने से अगर कोई खुश होता है तो वो आप है अप्पा साहेब, और दूसरी है आपकी सुनबाई आसावती। हाँ, इस पूरे घर में एक वही तो है जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझती है। क्यों, हमने कुछ गलत कहा क्या अप्पा साहेब? सुमित्रा, दबाज हेलो हे डूड, आर यू मैड? ये बीच सड़क पे क्यों खड़े हो? मरने से डर नहीं लगता क्या? मरने का खौफ उन्हें होता है जिन्हें जीने की चाहत, और हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। आप शायद अपनी बगल वो जमाटे पे थी, तमीज से बात कर। आपको शायद बहुत जल्दी है जान, नहीं? वैसे अभी 10 दिन खत्म होने में 10 घंटे 10 मिनट और शायद 10 सेकंड बाकी। सच नहीं जानना चाहेंगे कि उस दिन आपके ऊपर जानलेवा हमला किसने करवाया था? गौरी, चलो यहां से। Let's go. Don't listen to him, Mora. Come on. मैंने आपकी बात सच मान ली थी। In fact, मैंने उस नंबर पर दोबारा कॉल भी किया था, लेकिन the phone was out of service. यही नहीं, मैंने आपके फोन का इंतजार भी किया, लेकिन जब आपका फोन नहीं आया तो मैंने सोचा कोई होगा पागल सरफिरा जिसने हमारे साथ ये मजाक किया। एनीवे, आप शायद हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एज वी हैव अ फ्लाइट टू कैच। सिद्धार्थ, लेट्स गो। आप पर जानलेवा हमला खुद अप्पा साहेब ने करवाया था। वही जो आपने सुना, अप्पा साहेब ने खुद आपके ऊपर वो जानलेवा हमला करवाया था। अगर कमिश्नर साहब की माने तो वो गोली जो आप पर चलाई गई थी वो आपकी वाड़ी के बहुत नजदीक से चलाई गई थी, लेकिन अगर मेरी माने तो वो
वो गोली आपकी वाड़ी के नजदीक से नहीं, आपकी वाड़ी के अंदर से चली। Are you crazy? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? चलिए मान भी लेते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हो, लेकिन आपके पास कोई सबूत है इस बात का? या फिर आप ये सब आपके दुश्मनी के कारण बोल रहे हो? बस! बहुत बोल चुकी हूँ। यहाँ पर कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आया। आपसे वादा किया था कि आपको सच बताऊंगा, आपको सच बताने के लिए आया। झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा था उस दिन महापूजा में, और मैंने ये भी देखा था कि आपके पास पिस्टल थी। अगर आप वहां मेरी जान लेने के इरादे से नहीं आए थे तो फिर क्यों आए थे वहां? सवाल के सवाल पूछती है गौरी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपके इन सवालों के भी जवाब दे देते। आया था वहां, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मैं वहां पर पृथ्वी को चेतावनी देने के लिए गया था कि वो इलेक्शन में खड़ा ना हो और अपना नामांकन पत्र वापस ले। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें हमें यहाँ रोकने का और कोई बहाना नहीं मिला? करना मेरी फितरत है मिस्टर। खैर जो भी आप करें, पहली बात जो भी मैंने अभी आपसे कहा उसमें कितनी सच्चाई है ये तो इनके पूज्य अप्पा शाही भी आपको बता सकते हैं। दूसरी बात, आपको मेरे सच का सहारा लेकर यहां रुकना है या अपने अप्पा साहिब के झूठ का सहारा लेकर यहां से चले जाना है, इस बात का फैसला आप करेंगे। आप खुद देवी माँ, एक बार हमने आपका सहारा लिया था गौरी को यहां रोकने के लिए, आज फिर से हम कह रहे हैं रोक लीजिए गौरी को, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी गौरी को ढूंढने हैं। रोक लीजिए गौरी, रोक लीजिए। तुम हमें यहां रोकने वाले होते कौन? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। हम दोनों आज आमने सामने खड़े, आपके लिए यह रात है लेकिन मेरे लिए सुबह होने का संकेत है। बात एक ही, नजरिया देखने का अलग है। आपको जो कुछ भी कहना था कह दिया, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर ये सब झूठ निकला ना तो मैं सॉरी। किसी की जिंदगी में दखल देना मेरी आदत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरी जिंदगी में दखल दे। सोचा आपके जाने से पहले आपका सच जानना जरूरी है, तो आपको बता दें। और एक बात, घोंसले वाड़ी में आपकी आई के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ एक राज और भी दफन। जाइए गौरी, जाइए और उन पन्नों को खोलने की कोशिश कीजिए, वो पन्ने जहां तक शांत हो आपके पूज्य अप्पा साहिब ने हवा तक नहीं पहुंची। उदय गांबे, अप्पा आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी के वो सारे पन्ने अब खुलने जा रहे हैं जिन्हें आज तक आपने सबसे छुपा कर रखा।
आपका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुमा? सावधान अप्पा, सावधान, आपका काल वापस आ रहा है। और ये अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अप्पा साहिब से इस बारे में बात करनी चाहिए तो हम वापस चलते हैं। आज से आपका वक्त हमारे पास आपकी अमानत रहेगा। वक्त सोके आदि, क्या बात है बेटे? हाजी साहब, गौरी ताई हमारे साथ कुछ दिन और नहीं रह सकती थी क्या? सिद्धार्थ दादा को भी अभी आना था उन्हें वापस ले जाने के। बेटे, ऐसे उदास नहीं होते। लड़की को एक न एक दिन अपने पति के घर तो जाना ही होता है। शिवांगी, अगर देवी माँ ने चाहा, तो आप भी बहुत जल्द अपने पति के घर चली जाएगी, गौरी की तरह। आजी साहब, सिद्धार्थ दादा और गौरी ताई हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? हाँ जी साहब, जब हमारे बाबा इस घर के जमाई होने के बाद इस घर में रहते तो सिद्धार्थ जी क्यों नहीं? रात बहुत हो चुकी है, चलो अब आप लोग थोड़ा आराम कीजिए और हमें भी आराम करने दीजिए। आप पर जानलेवा हमला खुद अप्पा साहिब ने करवाया था। जो भी मैंने अभी आपसे कहा उसमें कितनी सच्चाई है ये तो इनके पूज्य अप्पा साहिब भी आपको बता सकते हैं। आपको मेरे सच का सहारा लेकर यहाँ रुकना है या अपने अप्पा साहिब के झूठ का सहारा लेकर यहाँ से चले जाना है, इस बात का फैसला आप करें। क्या बात है? What's the matter? Siddharth, is it possible? जो कुछ भी गर्व ने कहा क्या वो सच है? बोलो सिद्धार्थ, प्लीज टेल मी। वो मेरे अप्पा साहेब है, अजूबा है वो मेरे। क्या तुम्हें लगता है कि वो गोली सचमुच अप्पा साहेब ने मुझ पर चलाई है? बोलो सिद्धार्थ, प्लीज टेल मी, मुझे जवाब दो। साल, इन 20 सालों में एक भी ऐसा पल नहीं बीता होगा सिद्धार्थ जब मुझे अप्पा साहब की याद नहीं आई। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, उनका आशीर्वाद लूं। और ये सब क्या हो गया सिद्धार्थ? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये हमला अप्पा साहब ने मुझ पर करवाया है? हाँ, ये गोली अप्पा साहब के कहने पर चलाई गई हो,
बोलो सिद्धार्थ, मुझे जवाब दो। आई नीड टू नो द आंसर, प्लीज टेल मी सिद्धार्थ। इनफ गौरी, काम डाउन। किस बात का डर है तुम्हें गौरी? किस बात से तुम इतनी परेशान हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि गर्व ने जो भी कहा वो सच तो नहीं? क्या तुम इस बात से परेशान हो कि तुम अप्पा साहब से ये सवाल कैसे करोगे? बोलो गौरी, जवाब दो। गौरी, वो तुम्हारे अप्पा साहेब है, चलो उनके पास और चल के पूछ लो जो भी तुम्हें उनसे पूछना। कम ऑन गौरी, लेट्स गो। कम ऑन गौरी, देवा ये महारानी परत आली की काय? गौरी चल। अप्पा साहब कहाँ हो आप? आपकी जिंदगी के वो सारे पन्ने अब खुलने जा रहे हैं जिन्हें आज तक आपने सबसे छुपा कर रखा। आपका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। अप्पा साहेब। गौरी, गौरी क्या हुआ? मुझे अप्पा साहेब से बात करनी है। अप्पा साहेब। गौरी, मुझे सच जानना है। मुझे बताइए सच क्या है। मुझे सच जानना है अप्पा साहब, प्लीज मुझे बताइए। कौन सा सच? कैसा सच? उस दिन जो मुझ पर गोली चली थी और जो मुझ पर जो हमला हुआ था, वो क्या वो आपके कहने पर हुआ था? Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.